टॉप 5 बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो अगर आपको 15,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो आपको बता दे कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, बिकॉज हमारे लिस्ट में जितने भी फोन है ये सभी फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है एंड पावरफुल स्मार्टफोन भी है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी फोन में एक अच्छा पावरफुल चिपसेट मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। 4 लाख प्लस अंतुतु स्कोर होगा। इसके अलावा सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिलेगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा 120 हर्ट्ज तक का। फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, ब्राइट एम स्टोरेज होगा एंड कैमरा भी बढ़िया मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 15,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो इन सभी फोन के फीचर्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्यारा वीडियो को। अगर आपका बजट 15,000 से कुछ ज्यादा ही कम है, आई मीन 14,000 रुपया है, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस फोन का नाम है iQOO G6 Lite 5G। तो अगर आपको 15,000 के अंडर में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और iQOO जो है ना गेमिंग के लिए जाना ही जाता है, तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा चलिए एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिस्प्ले से। तो इस फोन में IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 6.5 इंच का फुल HD प्लस है, और इनमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है, जिससे आपको सनलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा, खास करके गेमिंग के लिए तो और भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इस फोन में जो है ना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और यह प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और 4.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, जो कि 14,000 प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बढ़िया है। और आपको बता दें कि यह वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन था जिसमें यह प्रोसेसर लगा हुआ था, शायद अभी है भी। और बात करें बैटरी का, तो इनमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जर को। मेरे ख्याल से आपको चार्जर से ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बिकॉज चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है, बट हाँ एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। तो बात करते हैं फोन का रैम स्टोरेज का। इस फोन में 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो फंटस 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। और ये फोन भी प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ फोन है। 8.3mm का थिकनेस है, थिकनेस ठीक ठाक ही है एंड 194 ग्राम इस फोन का वेट भी है। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह काफी खूबसूरत सा मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है, बेस वेरिएंट लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 14,200 रुपया देना होगा, और दूसरा आता है 6128, उसको लेने के लिए 18,000 रुपया देना होगा। बट आपको बता दें कि इस फोन का बेस वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। तो अगर आपको 15,000 के अंडर में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला G62 5G। जी हाँ दोस्तों, यह फोन आपको मिल जाएगा अभी के टाइम पे 15,000 रुपया में। अगर आपको 15,000 रुपया में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, आई मीन एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ दिखेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 184 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट को लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं, यानी कि ज्यादा भारी भी नहीं है और ज्यादा हल्का भी नहीं है। और 8.5mm का थिकनेस है, थिकनेस भी ठीक ठाक ही है, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। और कुछ बेसिक फीचर की बात करते हैं, चले तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, लॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा। इनमें 1 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जो कि ये चीज बढ़िया ही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इस फोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिनमें 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। 500 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है, जिससे आपको सनलाइट वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले खास करके गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के पीछे एक साइड 3 कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और पीछे का कैमरा से 10
1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर, और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं केवल 30fps पर। तो कैमरा नो डाउट बढ़िया ही मिलेगा इस फोन का। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि यह प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे आप अच्छा खासा इस फोन में गेमिंग कर सकते हैं। और 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 20W का चार्जर को, ये भी ठीक ठाक ही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, इनमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और यही फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 14,999 रुपया में। और इस फोन का भी प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है। अगर आपको अभी के टाइम पे 15,000 रुपये में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इस फोन को और भी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, बट इस फोन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज यह एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन है एंड एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी है। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.4mm का थिकनेस एंड 198 ग्राम इस फोन का वेट है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह काफी खूबसूरत सा मिलेगा। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो One UI 4.1 के साथ आता है, जो कि Android 12 पर बेस है। तो चलिए ये तो हो गया इस फोन का कुछ बेसिक फीचर। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर्स का, तो इस फोन में TFT डिस्प्ले ही मिलेगा, जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है, जिनमें 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। स्मूथनेस जो है इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और 600 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है, जिससे आपको डे लाइट वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। देखिए डिस्प्ले भले ही TFT हो, बट गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है। और सैमसंग का डिस्प्ले है ना, तो पता चलता ही नहीं है कि यह TFT डिस्प्ले है। फिर अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है जो कि माइक्रो लेंस है, और सेल्फी कैमरा 8MP का दिया गया है। और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, एंड बाकी का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो अगर आपको 15,000 रुपए में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन भी चाहिए, तो इसके लिए भी यह फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, बिकॉज कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि यह प्रोसेसर 8nm पर बना हुआ है एंड 3 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर इस फोन का भी पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बात की जाए बैटरी का, 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को एवरेज टाइप का ही चार्जर कह सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। नॉर्मली यह फोन 15,000 रुपए में मिलता है, बट फिलहाल इस फोन का प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल के टाइम पे यह फोन 16,000 रुपए में मिलेगा, एंड यह फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर आप इस फोन को कुछ टाइम वेट करके खरीदते हैं तो आराम से 15,000 रुपए में यह फोन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 5G। जी हाँ दोस्तों, इस फोन को भी कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, यह फोन भी एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 187 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट को ठीक ठाक ही कह सकते हैं, एंड 8.2mm का थिकनेस है, जो कि काफी पतला सा फोन है। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह तो काफी बढ़िया मिलेगा ही। और कुछ बेसिक फीचर की बात की जाए तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर इसमें भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो फन टच OS 12 के साथ आता है, जो कि Android 12 पर बेस है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का, तो इस फोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिनमें 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा, और 460 निट्स का ब्राइटनेस भी मिलेगा। तो डिस्प्ले खास करके गेमिंग के लिए काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि यह प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एंड 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी ज्यादा है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इस फोन में 5000mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है चार्जर से, चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम ले सकता है, बट हाँ एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। तो बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का है, बाकी का कैमरा 2 मेगा
मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और आप इन कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा नो डाउट बढ़िया ही मिलेगा। अब बात करते हैं फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं और यही वाला वेरिएंट फिलहाल के टाइम पे आपको मिलेगा 15,990 रुपया में और ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आपको 15,000-16,000 रुपए में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए बात कर लेते अपने लिस्ट का आखिरी फोन का। तो अपने लिस्ट में आखिरी फोन आता है पोको की तरफ से, पोको एक्स प्रो प्रो 5G। ये फोन भी जो है ना फिलहाल के टाइम पे आपको 16,000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको 15,000-16,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो ये फोन जो है ना ग्लास बॉडी के साथ आता है एंड प्लास्टिक का फ्रेम है। 205 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.1mm का थिकनेस है। तो बिल्ड क्वालिटी इस फोन का काफी सही है और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए ये तो हो गया इस फोन का कुछ बेसिक फीचर, अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इस फोन में जो है ना सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है। डिस्प्ले इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा एंड 1200 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा जो कि काफी ज्यादा है जिससे आपको डेलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात की जाए स्मूथनेस की तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। ये चीज गेमिंग के लिए काफी ज्यादा है जिससे आपको सनलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा और हाँ इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो डिस्प्ले नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा इस फोन का। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इस फोन में मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर जो कि यह प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है एंड 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी ज्यादा है। मेन प्रोसेसर इस फोन का काफी पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए बैटरी का तो इनमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को। ये चार्जर आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके देगा एंड आपको अच्छा खासा बैकअप भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इसमें 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं और यही वाला वेरिएंट फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 15,999 रुपया में। और आपको बता दें कि इस फोन का भी प्राइस ऊपर नीचे बराबर होता ही रहता है, अगर इस फोन का प्राइस कुछ ज्यादा हो गया हो तो आप उस टाइम वेट कर सकते हैं। वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। ये सभी फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।